शमिता शेट्टी अपने ब्रेकअप के बाद एक बार फिर से हो गई हैं सोशल मीडिया पर ट्रोल। जी हाँ, क्या है ये कारण, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल्म विंडो पर। पर शमिता शेट्टी कई चीज़ों को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रोल होती रहती हैं, और इस बार जो हुआ है आप कहेंगे शायद से ये नई चीज़ नहीं है। दरअसल हाल ही में शमिता और राकेश भापत दोनों का ही ब्रेकअप हुआ है, और इस ब्रेकअप के बाद से लेकर ही कई सारी चीज़ें जो हैं खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसी बीच जब शमिता स्पॉट की गई हैं तो वो अकेले नहीं बल्कि वो गई स्पॉट की गई थी आकांक्षा मल्होत्रा के साथ में। वल आपको बता दूं कि आकांक्षा मल्होत्रा कौन है, आपने फिल्म देखी होगी गर्व, इस गर्व में सलमान खान के साथ में जो इनकी बहन का किरदार निभाती हैं, दरअसल इनके साथ में ये नज़र आई थी, स्पॉट की गई थी कल देर रात की ये बात है। लेकिन जब शमिता ये देखती हैं कि मीडिया है तो वो पूरे तरीके से आकांक्षा को जो है वो इग्नोर कर देती हैं, और इग्नोर के साथ साथ वो उनके साथ में यू नो जब भी स्पॉट किए जाते हैं सेलिब्रिटीज़ तो उनके साथ में जो होता है वो उन्हें फुली रिस्पेक्ट के साथ में जो है वो अपने साथ में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आकांक्षा को फुल इग्नोर कर रही थी, उन्हें आगे पीछे छोड़ रही थी, वो आकांक्षा की तरफ देख भी रही थी, लेकिन देखने के बावजूद भी वो उनसे नज़रें चुराती हुई नज़र आ रही थी, और जहाँ जहाँ आकांक्षा आती जा रही थी उनके करीब वो वहाँ से और साइड होती हुई नज़र आ रही थी। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है इसके बाद से ही फैंस जो हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शमिता शेट्टी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड है, और ये जो एटीट्यूड है वो उनके ऊपर सूट नहीं करता, वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इसी की वजह से उन्होंने जो है अपनी एक क्रिएशन हम कह सकते हैं कि हर किसी ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सोचा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप लोगों को भी लगता है कि शमिता ने आकांक्षा को फुल एटीट्यूड दिया है? वेल, आप लोगों की राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर विंडो को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी सारी खबरें ऑन टाइम।